तो भाई बॉलीवुड का जो बिकाऊ फिल्म फेयर अवार्ड का जो फंक्शन है ना, यानी कि आईफा 2024 अवार्ड फंक्शन, वो समाप्त हो गया है मेरे भाई। और इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बॉलीवुड के किस कलाकार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, कौन बना बेस्ट डायरेक्टर, कौन बनी बेस्ट मूवी, वो लिस्ट हम लोगों के सामने आ गई है। और भाई उस लिस्ट को देखने के बाद आप भी ये बात मानोगे कि भैया बहुत ही चतुराई से इस फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन को कराने वाली जो इवेंट कंपनी है ना, सबको बैलेंस किया है, ये कहते हुए कि भाई हम किसी को निराश नहीं होने देंगे, मिल बांट कर अवार्ड बांट देंगे, आप लोग खुश हो जाइएगा और जनता भी नाराज नहीं होगी कि भाई सबको दिया ना, तो नाराज होने वाली बात क्या है। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भैया मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया जो फिल्म फेयर का जो लिस्ट हम लोगों के सामने आया है ना, उसी को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया हूँ कि यार ये हुआ कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ट मूवी की। भैया अगर मैं तीन फिल्मों की बात करूं जो कि 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भाई उन तीन फिल्मों के लिस्ट को अगर मैं आप लोगों को ये कहते हुए बताऊं कि भैया इस लिस्ट में एक फिल्म है भाई एनिमल, दूसरी फिल्म है पठान, तीसरी फिल्म है जवान और चौथी फिल्म है 10th फेल, तो भाई इन चारों फिल्मों में से आप किस फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड देते? क्या आप 10th फेल को चुनते, या फिर आप एनिमल को चुनते, या फिर आप जवान या फिर पठान को चुनते? ईमानदारी से आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछिएगा तो मैं इसका जवाब दो फिल्मों के इर्द गिर्द ही समेटने की कोशिश करूंगा। भैया एक मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर बच्चे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कुछ सीख ले सकते हैं और ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप तकलीफों को रखो साइड में और अपने एम पर फोकस करते हुए अपना मेहनत पूरी तरह से दो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आपको देखने को मिलेगी। किसमें? तो भैया 10th फेल में। और मेरे हिसाब से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर बेस्ट मूवी का अवार्ड देते ना, तो भाई ये अवार्ड 10th फेल के ही झोली में जानी चाहिए थी। और अगर हम बात करते भैया बड़े कैनवस वाली मूवी की, जिसका मतलब के कहते हैं फिल्मांकन बहुत ही बड़े लेवल पर हो, हर एक शॉट बहुत ही बेहतरीन हो, सजा धजा हो फिल्म में, वो हर एक मसाला हो जो कि भैया एक फिल्म में दर्शक देखना चाहते हैं इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई इस हिसाब से मुझे ये अवार्ड एनिमल को मिलना चाहिए। अब भाई अगर ये दोनों फिल्में नहीं रिलीज होती 2023 से लेकर 2024 के दरमियान, तो ये अवार्ड या तो पठान या तो जवान को दिया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भैया इन दोनों फिल्मों के बाद में अगर किसी फिल्म में पोटेंशियल था ये अवार्ड लेने का, तो भाई वो फिल्म यही दोनों फिल्में हैं। लेकिन भाई यहां पर चलिए हम ये बात कहते हैं कि ग्रिंजर और ये सब को ध्यान में रखकर भाई दे दिया गया बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे, तो भैया एनिमल को। चलिए यहां पर एनिमल को ये अवार्ड दिया गया। तो भाई यहां पर अगर एनिमल बहुत ही अच्छी मूवी थी और इस फिल्म में भाई रणवीर कपूर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, तो भाई शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस बात को ध्यान में रखकर दिया गया? अगर यहां पर हम बात करें भैया बेस्ट एक्टर के अवार्ड की, तो भैया यहां पर भी मैं तीन कलाकारों को आप लोगों के सामने रखता हूं। पहले विक्रांत मेसी को, क्योंकि भैया विक्रांत मेसी ने जो काम किया है वो आउट ऑफ द बॉक्स था। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 से लेकर 2024 की जितनी भी फिल्में आई है ना, उन सभी फिल्मों को मैंने देखा और उन सभी फिल्मों में मुझे जो सबसे बेहतरीन फिल्म लगी किसी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो भाई वो फिल्म 10th फिल्म ही थी। और भैया इस फिल्म में विक्रांत मेसी ने जो किरदार निभाया है, मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भैया इस किरदार को करने के लिए शाहरुख खान को भी सोचना पड़ता, रणवीर कपूर को भी सोचना पड़ता, लेकिन भाई विक्रांत मेसी को ये अवार्ड नहीं दिया गया।
और भाई ये अवार्ड किसके झोली में गया? तो भाई ये अवार्ड चला गया भैया जवान की झोली में, यानी कि भैया शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान के लिए दिया गया। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि भैया अगर एक बिग बजट बिग कैनवस वाले फिल्म के ही कलाकार को ये अवार्ड देना था तो भाई एनिमल में जो किरदार भैया रणवीर कपूर ने किया था उस किरदार के सामने ना तो जवान टिकती है, ना ही पठान टिकती है, और ना ही इन दोनों फिल्मों में जो किरदार निभाया था शाहरुख खान ने वो किरदार टिकता है। भैया एनिमल में जो परफॉर्मेंस रणवीर कपूर ने किया था वो डिजर्व कर रहे थे इस अवार्ड को भी, यानी कि भैया बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर के ही झोली में जाना चाहिए था। एक आम दर्शक के तौर पर अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो ये अवार्ड मिलना चाहिए था विक्रांत मेसी को। अब देखिए यहां पर ये अवार्ड अगर विक्रांत मेसी को नहीं मिला है तो भाई इस फिल्म के मेकर को थोड़ा सा तो झटका लगा होगा और वो दुखी हो गए होंगे कि भाई मैंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई जिसको दर्शकों का ओरिजिनल प्यार मिला, कोई पीआर टीम मेरी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पीछे खड़ी नहीं थी, ऑडियंस मेरे फिल्म की कहानी को देखकर मेरी फिल्म को देखकर मोटिवेट होकर अपने बच्चों को इस फिल्म को दिखाने के लिए सिनेमा घरों में लेकर आ रही थी, तो भैया मेरी फिल्म में ऐसी क्या बुराई थी, मेरे कलाकार ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, मेरी फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड नहीं मिला। तो भाई इनकी तकलीफ को दूर करने के लिए बैलेंस किया गया भैया इस अवार्ड को कराने वाले कर्ताओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भैया ठीक है नाराज मत होइए, हम आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे देते हैं, आपने बनाई है ना ये फिल्म, आप अपना पेट भरिए, बाकी चीजों को साइड में धरिए, मत पड़िए इन चीजों में कि विक्रांत मेसी को क्यों नहीं मिला ये अवार्ड, मेरी फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं मिला, आपको बेस्ट डायरेक्टर बना दिए ना इस साल का। तो भैया यहां पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिल रहा है, तो भैया यहां पर संदीप रेड्डी वांगा के अंदर में ऐसी क्या कमी थी कि भैया उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। अगर भैया यहां पर बात कर भैया एक फिल्म की तो भैया जो फिल्म संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल बनाई है वैसी फिल्म मुझे लगता है कि आज तक इंडियन इतिहास में बनी ही नहीं है। भाई जो डायरेक्शन, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहानी लिखा है संदीप रेड्डी वांगा ने, भाई वो अल्टीमेट स्टोरी थी, और मुझे लगता था कि भैया ये अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाना चाहिए था एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा के झोली में, लेकिन भैया उनको खुश किया गया ये कहकर कि भाई बेस्ट मूवी का अवार्ड दे दिया है ना भाई, तो तुम बेस्ट डायरेक्टर के लिए मत लड़ो, ले लेने दो विधु विनोद चोपड़ा को ये अवार्ड के भैया 2023 से लेकर 2024 तक की जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं उन सभी फिल्मों में जो भी डायरेक्टर रहे हैं उनको रखते हैं हम लोग साइड और विधु विनोद चोपड़ा को बना देते हैं बेस्ट डायरेक्टर। अब भाई यहां पर आता है फिर बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड, भाई यहां पर भी बहुत बड़ा झोल है। अब देखिए 2023 में यशराज फिल्म्स ने दो बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दी, एक फिल्म थी पठान, दूसरी फिल्म थी टाइगर का पार्ट थर्ड। भाई पठान ने बॉक्स ऑफिस पर आकर तूफान मचा दिया था कमाई के मामले में, और भाई जब पठान को अवार्ड नहीं मिलेगा, टाइगर के पार्ट थर्ड को कुछ नहीं मिलेगा तो दुख तो होगा ना YRF को कि भैया हाँ सबको बांटते हो और हमको डांटते हो, हमें क्यों नहीं देते हो। तो भाई इनके मुखार बिंदु को बंद करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन के कार्यकर्ताओं ने, यानी कि कर्ता धर्ताओं ने भैया एक प्लान किया कि चलो तुम्हारी फिल्म को हम लोग कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारी वाइफ को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे देते हैं। किस फिल्म के लिए? तो मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर घर की मलकाइन को मिल जाए तो मलकाइन बोलेगी ना मालिक से कि अरे चुप रहिए हमको मिल गया ना अवार्ड, काहे लड़ते हैं, आपको मिला हमको मिला हम ही को ना मिला, भाई आप क्यों लड़ रहे हैं। तो इस तरह से मैनेज किया गया भाई इस पूरे अवार्ड फंक्शन को। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि 2023 से लेकर 2024 तक के दौरान में जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और उन सभी फिल्मों में से अगर एक फिल्म की एंट्री नहीं होती पिछले साल तो भैया ये सारे अवार्ड जो थे ना, यानी कि भैया बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट मूवी का, जितना भी अवार्ड था ना वो जाता एनिमल के खाते में। और अगर जवान के सामने, पठान के सामने ना ही एनिमल होती और ना ही 10th फेल होती तो भाई ये सारे अवार्ड
वन साइडेड जादे किसके खाते में, तो भैया YRF के खाते में। और इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड अकेले शाहरुख खान लेकर चले जाते हैं, यानी कि भैया साबित कर दिया एक बार फिर से इस अवार्ड फंक्शन को चलाने वाले कर्ता धर्ताओं ने कि भाई यहां पर सब कुछ बिकता है, सभी को मैनेज कर खुश किया जाता है कि भैया नाराज कोई मत होना, भैया हम तो अवार्ड को यूं ही बांट कर आपस में ही अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। तो भैया मेरा हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को समझ में ना आए और आप लोगों को ऐसा लगे कि भैया मैंने जानबूझकर ये बातें आप लोगों से कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया इस अवार्ड फंक्शन में अगर किसी दो फिल्म की चर्चा होनी चाहिए थी तो वो दो फिल्में केवल एनिमल और 10th Fail ही थी मेरे भाई। इसके अलावे किसी भी फिल्म की चर्चा इस अवार्ड फंक्शन में नहीं होनी चाहिए थी। अब आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो बातें मैंने आप लोगों से कही है आप उस बात से कितना एग्री करते हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा। लेकिन अंत में